ये मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाया है, ये है ह्यूमन आई। यहाँ पर देखेंगे कि ये लेंस है जो हमारी आँख में जो ब्लैक पार्ट होता है वो आई लेंस होता है, इसको हम लोग कहते हैं आई लेंस। और आईज के जो पीछे होता है, पीछे वाला एक स्क्रीन जैसा होता है जिसको हम लोग कहते हैं रेटिना। मतलब जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज ये वाला जो लेंस है वो रेटिना पर बनाता है, और रेटिना से हम लोग जो है क्लियरली उसको समझ पाते हैं या देख पाते हैं कि कैसा है क्या है। ठीक है, तो किसी भी आई के लिए हम लोग कहेंगे कि जो रेटिना है और आई लेंस है इसके बीच का डिस्टेंस एक आदमी के आई के लिए फिक्स्ड होता है। तो कहा जाता है कि इमेज ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं, आर फॉर्म्ड ऑन रेटिना। रेटिना और आई लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है एक आदमी के लिए फिक्स रहता है ना, डिस्टेंस बिटवीन रेटिना एंड आई लेंस इज फिक्स्ड इट इज 2.5 सेंटीमीटर फॉर ए नॉर्मल पर्सन। एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे जैसे आदमी का एज बढ़ता है तो उसके हिसाब से आईज में कई सारे डिफेक्ट्स आते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज हो सकता है। लेकिन जब आदमी की जो आईज हैं वो बढ़िया हैं, ठीक है, ठीक काम कर रहा है, तो उस केस में एक नॉर्मल आदमी के लिए, मतलब उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है, तो रेटिना और आई लेंस के बीच का सेपरेशन 2.5 सेंटीमीटर होता है। जबकि ये जो लेंस है इसका फोकल लेंथ वेरी करता है, डिपेंड करता है कि सामने जो ऑब्जेक्ट को हम लोग देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट का पोजिशन क्या है। जब ज़्यादा दूर होगा तो फोकल लेंथ भी इसका दूर ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, और अगर ऑब्जेक्ट पास में होगा तो इस लेंस का फोकल लेंथ भी छोटा होता है। तो कह सकते हैं फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस चेंजेस अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। For object at infinity, eyes are relaxed, है ना, relaxed का मतलब हुआ least strained, मतलब हमें देखने के लिए ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता, आँख पर कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करना होता है, तो कहते हैं कि आईज हमारी रिलैक्स्ड होती है। एंड फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज मैक्सिमम। जब हम दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं तो हमारी आंखें जो होती हैं वो रिलैक्स होती हैं, उस टाइम पर हमारे आई लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो सबसे बड़ा होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक, इसी तरह से कई सारे टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं। जैसे एक टर्म होता है, इसको कहा जाता है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। है ना, इसको डी से डिनोट किया जाता है। ये कहा जाता है इट इज लिस्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विच कैन बी सीन
by human eyes without using any optical instrument. है ना, किसी नॉर्मल आदमी के लिए, मतलब जिसके आईज में कोई डिफेक्ट नहीं है, उसके लिए लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन जो है 25 सेंटीमीटर होता है. इट इज 25 सेंटीमीटर फॉर ए नॉर्मल पर्सन. ठीक, तो जैसा कि हमने कहा कि जो आई लेंस है इसका फोकल लेंथ जो है वो चेंज होता रहता है. जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो आईज जो है रिलैक्स होती हैं और फोकल लेंथ मैक्सिमम होता है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट जो है वो मिनिमम डिस्टेंस पर, यानी कि लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखा हो, तो उस केस में आईज जो है रिलैक्स नहीं होती बल्कि मोस्ट स्ट्रेंड होती हैं. उसमें ज़्यादा तनाव होता है, ऐसा कर सकते हैं, ज़्यादा तनाव होता है और उस केस में जो आई लेंस का फोकल लेंथ है वो मिनिमम होता है. तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, देन आईज आर मोस्ट स्ट्रेंड. है ना, मोस्ट स्ट्रेंड होगा एंड फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज मिनिमम. ठीक, अब जिस तरह से लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन हमने डिफाइन किया, कुछ उसी तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं एक आदमी का फार पॉइंट होता है और एक जो है नियर पॉइंट होता है. फार पॉइंट कहा जाता है, इट इज मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट which can be seen by naked eyes clearly. मतलब बिना कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किए हुए मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं, वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो है उसको हम लोग फार पॉइंट कहते हैं. अगर एक नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल आदमी का मतलब उसके आईज में कोई डिफेक्ट नहीं है, तो वो इन्फिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को देख सकता है, जैसे कि जो है सन है, मून है, उनको देख सकता है ना. तो ये कह सकते हैं, फॉर ए नॉर्मल पर्सन फार पॉइंट इज एट इन्फिनिटी. ठीक, तो जिस तरह से फार पॉइंट डिफाइन करते हैं उसी तरह से किसी आदमी के लिए नियर पॉइंट भी डिफाइन किया जा सकता है, है ना. तो नियर पॉइंट होता है, इट इज मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट which can be seen by naked eyes clearly. है ना, मतलब मिनिमम डिस्टेंस होने का मतलब कि अगर उससे कम डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो आदमी उसको क्लियरली देख नहीं सकता है. ठीक है, तो किसी नॉर्मल आदमी के लिए, फॉर ए नॉर्मल पर्सन, नियर पॉइंट
इज एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी कि 25 सेंटीमीटर पर होता है। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा यहाँ पर कि किसी नॉर्मल पर्सन के लिए जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी पर होता है, लेकिन अगर उस आदमी के आइज में डिफेक्ट होगा तो उसका फार पॉइंट इन्फिनिटी पर नहीं होकर के बल्कि उससे पहले हो जाएगा, यानी कि वो इन्फिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाएगा, दूर के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाएगा। उसी तरह से हमने पढ़ा कि नियर पॉइंट जो है वो किसी नॉर्मल पर्सन के लिए 25 सेंटीमीटर पर होता है, लेकिन हो सकता है कि आइज में डिफेक्ट हो तो उसका जो नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर से बड़ा हो जाएगा। तो अभी हम लोग यही समझने वाले हैं कि ह्यूमन आइज में कितने तरीके के डिफेक्ट्स हो सकते हैं और अगर डिफेक्ट हो सकते हैं तो उनको करेक्ट कैसे किया जा सकता है। ठीक, तो डिफेक्ट्स वैसे दो तरह के होते हैं जिसमें से हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे नियर साइटेडनेस, जिसको कि मायोपिया भी कहा जा सकता है ना। तो ये जो मायोपिया डिफेक्ट है इसमें किसी आदमी को नज़दीक के ऑब्जेक्ट तो दिखते हैं लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट्स उसको नहीं दिखते हैं, है ना। इसमें कहा जाता है कि ए पर्सन हैविंग मायोपिया कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट्स बट कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड अ पॉइंट। वो जो पॉइंट है इसको हम लोग फार पॉइंट कह सकते हैं, जिस फार पॉइंट के बारे में हमने यहाँ पर बात किया है ना, मतलब उसका जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से पहले आ जाए तो उस केस में वो जो फार पॉइंट होगा ये फाइनाइट होगा, उस फार पॉइंट यानी फाइनाइट डिस्टेंस के आगे के ऑब्जेक्ट्स को वो नहीं देख पाएगा, उससे पहले के ऑब्जेक्ट्स को सही तरीके से देख पाएगा। तो इस डिफेक्ट में दिक्कत क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि हमने कहा कि मान लिया इसका फार पॉइंट जो है यहाँ पर है, ये हो गया इसका फार पॉइंट, मतलब यहाँ तक के ऑब्जेक्ट को वो देख सकता है क्लियरली, लेकिन इसके आगे के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उसको ये क्लियरली नहीं देख पाएगा। अगर इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज जो है इस रेटिना से पहले बन जाता है ना। जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट है जो कि फार पॉइंट के आगे है, फार पॉइंट मान लिया एक्स है, मतलब कि अगर फार पॉइंट से पहले को ऑब्जेक्ट हैं वो तो सही तरीके से देखेगा, यानी उनका इमेज सही तरीके से रेटिना पर बन रहा होगा, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है फार पॉइंट से आगे है तो उसका जो इमेज है वो कैसा होगा। देखेंगे कि जैसे यहाँ से कोई लाइट रे गया तो इस आई लेंस से क्रॉस करने के बाद उसका इमेज जो है रेटिना से पहले बन गया, यहाँ पर इमेज बन गया ये। ठीक है, इमेज जो है वो रेटिना पर बनना चाहिए तभी जा कर के वो हमें ऑब्जेक्ट दिख पाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि ये जो इमेज है वो हमें रेटिना पर बनाना है, तो रेटिना पर बनाना है तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, क्या उपचार करना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर एक डाइवर्जिंग लेंस यूज करूँ तो डाइवर्जिंग लेंस क्या करेगा, इस लाइट रे को थोड़ा और डाइवर्ज कर देगा, है ना। तो डाइवर्ज करके कुछ इस तरह से डाइवर्ज करेगा कि जो ये इमेज है वो यहाँ पर जा कर के बन जाए। तो इसका जो रेमेडी है, रेमेडी का मतलब हो गया हिंदी में उपचार कहा जाता है, कि कॉनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस इज यूज्ड। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक डाइवर्जिंग लेंस बनाता हूँ, है ना, ये डाइवर्जिंग लेंस हो गया, ये इनका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, है ना। अब ये हो गया फार पॉइंट। तो ये जो आदमी है इसको इस फार पॉइंट से आगे के ऑब्जेक्ट्स तो दिखते नहीं है, लेकिन उसको देखना तो आगे के ऑब्जेक्ट्स को भी होगा, है ना। तो इसको चूंकि सारे ऑब्जेक्ट्स को दिखना है, यानी कि इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट रखा है उसको भी देखना चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग देखेंगे कि अगर इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है
तो उसका इमेज अगर ये फार पॉइंट पर बना देगा, है ना, ये जो लेंस है डाइवर्जिंग लेंस, इसका काम ये होगा कि इन्फिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को फार पॉइंट पर बना देगा उसका इमेज, यानी अगर इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज फार पॉइंट के अंदर आएगा, और फार पॉइंट के अंदर आएगा तो उसका इमेज ये आई लेंस जो है वो रेटिना पर बनाएगा, ठीक है। तो इस डाइवर्जिंग लेंस का काम बस इतना है कि फार पॉइंट से आगे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका इमेज वो फार पॉइंट से पहले बनाएगा, और उस इमेज को ये आई लेंस देखेगा। और तो आई लेंस जो है इधर के रखे हुए ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो उनको देख सकता है, ठीक है, तो फिर वो इसका इमेज रेटिना पर बना देगा, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जैसे अगर कोई इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका इमेज फार पॉइंट पर बनाना चाहिए, इस तरह का हमें यहाँ पर डाइवर्जिंग लेंस यूज करना चाहिए। तो इसके लिए कह सकते हैं कि जो U है वो तो है माइनस इन्फिनिटी, और जो V है वो है माइनस एक्स। मैं जानना चाहता हूँ कि कितने पावर का लेंस हमें यहाँ पर यूज करना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं पहले इसका फोकल लेंथ निकालूंगा, तो फोकल लेंथ निकाल सकते हैं लेंस फॉर्मूला यूज करके। लेंस फॉर्मूला मैं यूज करूँगा तो 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। तो 1/V जो है वो माइनस एक्स के इक्वल है, माइनस 1/ माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/F, ये हो गया। तो यहाँ से देखेंगे कि जो F है वो निगेटिव आ रहा है यहाँ से, है ना, F की जो वैल्यू है वो माइनस एक्स के इक्वल आ गया, मतलब जो फार पॉइंट का डिस्टेंस है x, इतना ही उसका फोकल लेंथ भी होना चाहिए। ये जो डाइवर्जिंग लेंस हम लोग यूज करेंगे, इसका फोकल लेंथ फार पॉइंट का जो लेंथ है उसके इक्वल होना चाहिए। जब फोकल लेंथ निकल जाएगा तो हम उसका पावर भी निकाल सकते हैं 1/F करके, ठीक है। तो इस तरह से नियर साइटेडनेस को दूर किया जा सकता है। मतलब ये है कि जो डाइवर्जिंग लेंस जब हम लोग यूज करेंगे तो उससे होगा क्या कि इन्फिनिटी और फार पॉइंट के बीच में रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज फार पॉइंट के पहले आ जाएगा, और अगर इधर आ जाएगा उसका इमेज तो यहाँ से ये लेंस जो है देख सकता है, यानी ये जो लेंस है उस इमेज का इमेज रेटिना पर बनाएगा, जिसे हम लोग आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो दूसरे टाइप का जो डिफेक्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। जिस तरह से मायोपिया में क्या होता था कि नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देख सकते थे और दूर के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते थे, इसमें जस्ट उसका उल्टा होता है। इसमें फार साइटेडनेस है, इसमें दूर के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं लेकिन नज़दीक के ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। तो कह सकते हैं कि अ पर्सन हैविंग हाइपर मेट्रोपिया कैन सी द फार ऑब्जेक्ट्स बट ही कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स नियरर देन पॉइंट कॉल्ड नियर पॉइंट। मतलब इस आदमी के लिए जिसके पास ये डिफेक्ट होगा, उस आदमी के लिए जो नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर नहीं रह जाएगा बल्कि 25 सेंटीमीटर से बड़ा हो जाएगा। बड़ा मतलब हो सकता है 50 सेंटीमीटर हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि 25 सेंटीमीटर से और 50 सेंटीमीटर के बीच में जो ऑब्जेक्ट रखे होते थे वो एक नॉर्मल आदमी देख सकता है लेकिन ये नहीं देख सकता है ना। तो इसमें होता क्या है इसको पहले हम लोग समझते हैं। मान लिया कि इसका जो नियर पॉइंट है वो कहीं यहाँ चले गया, ये हो गया नियर पॉइंट। मान लिया नियर पॉइंट जो है ये है एक्स, और लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो मैंने बताया 25 सेंटीमीटर होता है जनरली, तो उसको मैंने यहाँ पर डी रख दिया है, ठीक है। तो एक्चुअली में जो आदमी होते हैं उनको सबको डी और इन्फिनिटी के बीच में सारे ऑब्जेक्ट्स को देखना चाहिए, है ना। तो
तो ये जो आदमी है ये नियर पॉइंट के आगे के ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है लेकिन नियर पॉइंट के पहले के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकता। डी से पहले के लिए तो कोई भी नहीं देख सकता, है ना, इधर के लिए जो है वो थोड़ा धुंधला दिखता है, तो लेकिन डी से आगे एक नॉर्मल आदमी देख सकता है। जिसके पास ऐसा डिफेक्ट होगा, जिसके आइज में ऐसा डिफेक्ट होगा, वो आदमी डी और नियर पॉइंट के बीच में रखे हुए ऑब्जेक्ट को भी नहीं देख पाएगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट बीच में हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, देखेंगे कि जब इससे लाइट रे हम लोग यहाँ पर भेजेंगे तो ये जो लाइट रेज है एक्चुअली में रेटिना पर इंटरसेक्ट नहीं करती बल्कि रेटिना के बाहर जा कर के मिल जाती हैं, ठीक है। तो देखेंगे इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। इसमें क्या था कि जो यहाँ से जो लाइट रेज कन्वर्ज होती थी वो रेटिना से पहले इमेज बनाती थी, और इसमें क्या हो रहा है कि रेटिना के बाहर इमेज, रेटिना से आगे जा कर के इमेज बनाती है यहाँ पर, ठीक है। जबकि हमें पता है कि अगर इमेज को देखना है तो ये इमेज जो है ये एक्चुअली में रेटिना पर बनना चाहिए। तो इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, इसमें तो हमें लाइट रे को डाइवर्ज करना था जिससे कि ये खिसक करके आगे पहुंच जाए, इसमें हमें कन्वर्ज करना पड़ेगा क्योंकि ये इसको पास में लाना है। तो कन्वर्ज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्जिंग लेंस को यूज करेंगे। तो इसकी रेमेडी जो है वो किया जाता है कन्वर्जिंग लेंस यूज करके। तो कन्वर्जिंग लेंस यहाँ पर किस तरह से यूज किया जाता है इसको हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। जैसे देखेंगे कि ये जो कन्वर्जिंग लेंस है ये क्या करता है, यहाँ से आने वाले लाइट रे को कन्वर्ज तो करता है लेकिन उतना ज़्यादा कन्वर्ज नहीं कर पाता है कि इमेज रेटिना पर बन जाए। तो अगर मैं यहाँ पर एक और लेंस यूज कर लूँ तो दो बार कन्वर्ज होगा, और दो बार कन्वर्ज होने का मतलब है कि कन्वर्जिंग पावर जो है वो बढ़ गया, तो क्या होगा कि ये लाइट रेज और ज़्यादा बेंड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है ना, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट ये अगर सिर्फ एक लेंस होता तो यहाँ जा रहा था, दो लेंस आ गए तो दो बार ये कन्वर्ज होगा और ये कन्वर्ज होकर के इमेज जो है यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कन्वर्जिंग पावर बढ़ाना है, ज़्यादा कन्वर्ज होने से ये लाइट रे और पास में आकर यहाँ पर मिल जाएंगी। जैसे इसमें क्या किया था हमने, यहाँ पर हमने डाइवर्ज कराया क्योंकि इमेज पहले ही बन जा रहा था, कन्वर्ज कहें कि ज़्यादा हो जा रहा था, यहाँ पर ज़्यादा कन्वर्ज होने से ये इमेज यहाँ ना बन करके पहले बन जा रहा था। अगर ये लाइटें थोड़ी सी डाइवर्ज कर दी जाती हैं तो इमेज यहाँ पर बन जाता है, तो इसलिए डाइवर्जिंग लेंस यूज किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर अगर आगे ऑब्जेक्ट कहीं पर होगा तो वो डाइवर्ज करके जो है वो उस ऑब्जेक्ट का इमेज इस रेटिना पर बनाएगा। जैसे मैं एक डायग्राम से समझाऊँ, यहाँ से अगर पहले लाइट रे जाता था है ना, तो ये तो यहीं आ जाता था, अगर जब लेंस नहीं था तब, है ना। अब लेंस आने से क्या होगा कि ये लाइट रे पहले से ऐसे यहाँ गया तो ये पहले ऐसे डाइवर्ज हुआ यहाँ से, अब डाइवर्ज हो गया तो यहाँ से अब कन्वर्ज होने के बाद भी जा कर के रेटिना पर मिल जाएगा। उसी तरह से इसमें जो है यहाँ पर कन्वर्ज कम हो रहा था, ज़्यादा कन्वर्ज करना है ताकि यहाँ पर मिल जाए, इसलिए एक और कन्वर्जिंग लेंस हम लोग आगे यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो लेंस हम लोग यूज करेंगे उसका काम क्या होगा, उसका काम ये होगा कि चूंकि ये जो और जो आदमी है इसको नियर पॉइंट से पहले रखे हुए ऑब्जेक्ट को भी देखना है, इसका मतलब ये है कि अगर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर जो है ना, ये LDD भी है, इसको सेपरेशन डी मान सकते हैं, अगर यहाँ भी कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इसको भी देखना है क्योंकि एक नॉर्मल आदमी यहाँ से इन्फिनिटी तक के सारे ऑब्जेक्ट को देखता है, तो इसको भी यहाँ से 25 सेंटीमीटर से आगे के सारे ऑब्जेक्ट को देखना है, लेकिन एक्चुअली में वो देख नहीं पाता है, यहाँ से और नियर पॉइंट के बीच में रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को देख नहीं पाता है। तो अब ये लेंस आएगा वहाँ पर इसका सुधार करने के लिए या करेक्ट करने के लिए, ये क्या करेगा कि अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज ये नियर पॉइंट पर बना देगा, है ना, इमेज यहाँ बनाएगा। अब इस यहाँ बन गया इमेज, तो यहाँ का जो इमेज है उसको ये आई लेंस देख सकता है, या इसके आगे भी बनेगा तो भी ये देख सकता है ना। तो
अगर डी पर ऑब्जेक्ट रखा है तो ये लेंस क्या करेगा, इमेज यहाँ बनाएगा। डी के आगे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका इमेज और आगे बनाएगा। उधर जितने भी इमेज बनेंगे उस सारे इमेज को ये आई देख सकता है, ठीक है। तो बस इस लेंस का काम क्या होगा कि अगर इधर कोई ऑब्जेक्ट रखे हों तो उनको खिसका करके उस रेंज में करना है जहाँ से ये आई देख सकता है ना। तो मैं मान लेता हूँ कि ऑब्जेक्ट जो है ये लिस्ट डिस्टेंस और डिस्ट्रिक्ट विजन पर रखा है, तो उसका जो इमेज है वो बनना चाहिए नियर पॉइंट पर। नियर पॉइंट मान लेते हैं कि एक्स है ना। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर रखेंगे माइनस डी और इमेज डिस्टेंस रखेंगे माइनस एक्स, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग फोकल लेंथ निकालेंगे। लेंस फॉर्मुलाइज करते हैं, वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ। तो 1 बाई वी के जगह पर माइनस एक्स, 1 बाई यू के जगह पर माइनस डी इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई डी, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये माइनस रह जाएगा माइनस 1 बाई एक्स। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 1 बाई एफ इज इक्वल टू एक्स माइनस डी बाई डी इंटू एक्स। तो एफ जो होगा ये हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स माइनस डी, है ना। ये आ गया, तो ये आ गया इस कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ जो हम लोग इसकी रेमेडी के लिए यूज करेंगे। तो ह्यूमन आई से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड मिनिमम फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस ऑफ ए नॉर्मल पर्सन। हमें पता है कि फोकल लेंथ मिनिमम कब होता है, जब ऑब्जेक्ट जो है वो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखा गया हो। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का मतलब हो गया कि डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर पर रखा गया होगा, क्योंकि ये नॉर्मल पर्सन के लिए बात कर रहा है। तो उसके लिए लिस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन जो है 25 सेंटीमीटर पर है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और हमें पता है कि इसका इमेज जो है वो रेटिना पर बनना है। तो यहाँ से लाइट रे जाएगा और इमेज रेटिना पर बनेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो 25 लिया जाएगा, जबकि इमेज डिस्टेंस जो है वो 2.5 सेंटीमीटर लिया जाएगा। हमने बताया था कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए लेंस और रेटिना के बीच का सेपरेशन जो है 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रखूँगा माइनस 25 सेंटीमीटर और इमेज डिस्टेंस जो है वो प्लस 2.5 सेंटीमीटर रखा जाएगा। साइन कन्वेंशन के हिसाब से चूँकि लाइटर इधर जा रहा है तो यहाँ से इधर पॉजिटिव लिया जाएगा और यहाँ से इधर निगेटिव लिया जाएगा, है ना। अगर मैं लेंस फॉर्मूला यूज़ करूँ, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो 1 बाई वी जो है 2.5 है, माइनस यू है माइनस 25 ना। तो यहाँ पर देखेंगे आ जाएगा 25, बीच में प्लस साइन आएगा, है ना। ये हो गया 10 प्लस 1 1 बाई एफ, यानी एफ जो है 25 बाई 11 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इस लेंस का, आई लेंस का मिनिमम फोकल लेंथ हो गया ये, ठीक। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड मैक्सिमम फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस ऑफ ए नॉर्मल पर्सन। हमें पता है कि आई लेंस का जो फोकल लेंथ मैक्सिमम कब होता है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हो, है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होगा तो लाइट रे ऐसे आएंगी पैरेलल और इमेज, चूंकि नॉर्मल आदमी की बात करें तो इमेज तो रेटिना पर ही बनेगा, है ना। यहाँ पर हमें पता है कि नॉर्मल आदमी के लिए आई लेंस और रेटिना के बीच का सेपरेशन होता है 2.5 सेंटीमीटर, और ये लाइट रे चूंकि पैरेलल आ रही है तो ये फोकस पर ही मिल रही होंगी, है ना। यानी एक्चुअली में ये जो लेंस है इसका फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि मैक्सिमम फोकल लेंथ जो है वो 2.5 सेंटीमीटर आया। चाहे तो हम लोग फार्मूला से निकाल सकते हैं, कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है माइनस इन्फिनिटी पर है और इमेज डिस्टेंस है
2.5 सेंटीमीटर पर प्लस में, कि ये लेंस है, लाइट इधर से आ रही है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन और ये निगेटिव डायरेक्शन, तो इमेज तो बन रहा है यहाँ से 2.5 पर, है ना, पॉजिटिव में, और ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। तो अगर लेंस का फॉर्मूला यूज करें ये वाला, तो V का वैल्यू है प्लस 2.5, U जो है वो इन्फिनिटी है, इज इक्वल टू 1 बाई F, तो F देख सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर यहाँ से आ जाएगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। इस एग्जांपल में कहा गया है अ नियर साइटेड मैन कैन क्लियरली सी ऑब्जेक्ट्स ओनली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर। मतलब ये है कि नियर साइटेड आदमी के लिए ये फार पॉइंट बताया गया है, जो फार पॉइंट है वो 100 सेंटीमीटर आगे है, यानी कह सकते हैं कि 1 मीटर आगे है, यहाँ से 1 मीटर आगे। ठीक, तो पूछा गया है फाइंड पावर ऑफ लेंस यूज्ड फॉर द रेमेडी ऑफ दिस डिफेक्ट। हमें पता है कि नियर साइटेड आदमी के लिए जो डिफेक्ट है उसको दूर करने के लिए डाइवर्जिंग लेंस यूज किया जाता है ना। ये डाइवर्जिंग लेंस क्या करता है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हो तो उसका इमेज ये फार पॉइंट पर यहाँ पर बनाता है, यहाँ ऑब्जेक्ट है और इमेज यहाँ बना देता है ये वाला लेंस। तो इसके लिए मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रखूँगा माइनस इन्फिनिटी और जो इमेज डिस्टेंस है उसको रखेंगे माइनस 1 मीटर। तो लेंस फार्मूला लगा करके मैं इसका फोकल लेंथ यूज कर फाइंड कर सकता हूँ। फोकल लेंथ एक बार निकल जाएगा तो मैं पावर भी निकाल सकता हूँ। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ध्यान रखेंगे कि मैंने v जो है मीटर में ले रखा है तो फोकल लेंथ भी मीटर में ही आएगा, है ना। तो 1/v जो है माइनस 1 है और u जो है माइनस इन्फिनिटी है। ठीक, तो ये आ गया 1/f, मतलब कि f का वैल्यू हो गया माइनस 1 मीटर। अगर पावर निकालना हो तो 1/f करना चाहिए, है ना। तो 1/-1 यानी कि माइनस 1 डायोप्टर, ये हो गया उस डाइवर्जिंग लेंस का पावर। नेक्स्ट एग्जांपल में पूछा गया है अ फार साइटेड मैन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली अनलेस इट इज एट लीस्ट 100 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आइज। मतलब 100 सेंटीमीटर जो है उससे पहले के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको ये नहीं देख पाएगा, उसके आगे के ऑब्जेक्ट को देख पाएगा, है ना, क्योंकि ये फार साइटेड मैन है। तो हमें इसका रेमेडी के लिए जो लेंस यूज किया जाएगा उसका पावर पता करना है। फाइंड पावर ऑफ लेंस टू बी यूज फॉर रेमेडी, है ना। तो इसमें हमने बताया था कि इसमें कन्वर्जिंग लेंस यूज किया जाता है। कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है कि अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसका इमेज जो है ये नियर पॉइंट पर बनाता है, है ना। ये जो 100 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है ये एक्चुअली में नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट दिया गया है इसमें 100 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हो गया नियर पॉइंट, जिसको हम लोग एक्स लिया करते थे जब हमने डेराइव किया था फॉर्मूला, ये है एक्स इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इस कन्वर्जिंग लेंस का काम क्या है कि अगर 25 सेंटीमीटर पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका इमेज ये यहाँ पर नियर पॉइंट पर बना देगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू रखेंगे माइनस डी और इमेज डिस्टेंस जो रखेंगे माइनस एक्स। फिर यहाँ से हम लोग लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। लेंस फॉर्मूला यूज करके हमने फोकल लेंथ का वैल्यू निकाला था, यह आया था डी एक्स बाई एक्स माइनस डी। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर डी और एक्स दोनों की वैल्यू मीटर में रखते हैं, है ना। तो जो एक्स है ये 1 मीटर आ गया और d की वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर यानी कि 0.25 मीटर। तो यहाँ रखेंगे 0.25, x की वैल्यू 1 और ये जो x है ये हो गया 1-0.25, है ना, ये आया। तो 0.25 डिवाइडेड बाई 1-0.25 करेंगे
तो 0.75 आएगा, 0.25 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1/3। तो अगर हमें पावर निकालना हो इस लेंस का तो 1/f करते हैं, यानी कि 1/3 था, उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस में, तो प्लस 3 डायोप्टर जो है इस कन्वर्जिंग लेंस का पावर है।